हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. आई वेलकम यू ऑल इन बेटा इंग्लिश कंपलसरी क्लास. वी वर डूइंग चैप्टर द सिल्क रोड. अभी तक हमने टिल नाउ हमने अभी तक ये करा है कि राइटर जो है वो कैलाश माउंटेन जो है कोरा जिसे बोलते हैं, ठीक है, तीर्थ यात्रा करने के लिए निकलता है. और इन बिटवीन क्या क्या प्रॉब्लम्स उसके सामने आती है, ठीक है, किस तरीके से वो वहाँ तक पहुँचता है, इसी की जर्नी को उन्होंने डिस्क्राइब करा है. ठीक है, अब बताते हैं कि जब वो कार से स्टार्ट करते हैं तो सबसे सेतन, डैनियल और वो तीनों जाते हैं, जिसमें कि डैनियल को तो वो जो हॉर नामक जगह आती है वहीं पर छोड़ देते हैं. फिर वो दार्चिन का एक गेस्ट हाउस होता है, वहाँ रेस्ट करता है, लेकिन वहाँ जो है बहुत स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस होती है, रात को नींद नहीं आ पाती है, जुकाम के कारण नाक बंद हो जाता है, काफ़ी कोशिश करने पर भी नींद नहीं आती है, ठीक है. और फिर उसके बाद में वो वहाँ के डॉक्टर के पास जाता है, जो कि उसे बोलता है कि ये तो जुकाम है, ठीक है. तब राइटर उसे पूछता है कि क्या वो जो है ये जर्नी तो पूरी कर पाएगा. बोले कि हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है. अब वो 15 तरीके की अलग अलग दवाइयाँ देता है, पुड़िया सी देता है जिसे वो लेता है, ठीक है. मेरा यहाँ तक हो गया था. वंस ही सॉ, पेज नंबर 80, फर्स्ट पैराग्राफ. वंस ही सॉ डैट आई वॉज गोइंग टू लिव, सेतन लेफ्ट मी टू रिटर्न टू लासा. एक बार जब सेतन ने देख लिया कि अब मैं जिंदा रह सकता हूँ, कि सेतन वापस लासा चला गया. एज अ बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी ही न्यू डैट ही डिड नॉट रियली मैटर इफ आई पास्ड अवे. अब एक बौद्ध होने के नाते उसने मुझे से कहा कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो इस बात की वो परवाह नहीं करता है. बट ही थॉट इट वुड बी अ बैड फॉर बिजनेस. लेकिन उसने सोचा कि उसके व्यापार के लिए ये अच्छा नहीं है, ठीक है. एक तरीके से बेटा मजाक के वे में कही गई है कि एक बार जब उसको लग गया ना कि उसकी तबीयत ठीक हो गई है, तो जो गाड़ी का ड्राइवर होता है ना सेतन, वो भी छोड़ के चला जाता है, ठीक है. दार्चन डिड नॉट लुक सो हैर हॉरिबल आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप. अब एक रात अच्छी तरह सोने के बाद में मुझे दार्चन इतना डरावना नहीं लगा. इट वॉज स्टिल डस्टी, पार्शली डेरेलिक्ट एंड पंचर्ड बाई हीप ऑफ रबल एंड रिफ्यूज. अभी भी दार्चन था तो वैसा ही धूल भरा, ठीक है, बिल्कुल एकांत में कचरे के ढेर जो है इधर उधर पड़े हुए थे, ठीक है, सालों की गंदगी वगैरह जो है, कुबाड़ वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था. बट द सन शोन ब्रिलियंटली इन अ क्लियर ब्लू स्काई. लेकिन नीले आसमान में सूरज बिल्कुल चमक रहा था. एंड द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन टू द साउथ गेव मी अ विजन ऑफ द हिमालयाज. और जब मैंने साउथ की तरफ देखा, मैदान की तरफ, तो मुझे हिमालयाज नज़र आए, कमांडेड बाय अ ह्यूज स्नो कैप्ड माउंटेन्स. और ये हिमालय जो है, पर्वत जो है, बर्फ़ से ढके हुए थे. गुड़ला मंदाता की जो चोटी थी, विद जस्ट अ विस्प ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट्स समिट. उसके शीख पर जो है विस्प ऑफ क्लाउड ना, छोटे छोटे जो क्लाउड्स हैं वो ऊपर लटके हुए थे. द टाउन हैड अ कपल ऑफ रेडिमेंट्री जर्नल स्टोर सेलिंग चाइनीज सिगरेट. उस दार्चिन शहर में कुछ जो है रेडिमेंट होते ना, अनडेवलप्ड, जो तो ज़्यादा विकसित नहीं होती, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तो काफ़ी सारी जर्नल स्टोर्स थी जिनके पर चाइनीज सिगरेट, सोप, साबुन वगैरह और बाकी भी सामान जो है मिल रहा था. एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स. और जो है प्रेयर फ्लैग्स के धागे भी वहाँ पर मिल रहे थे. इन फ्रंट ऑफ वन मैन गैदर्ड इन द आफ्टरनून फॉर अ गेम ऑफ पुल. दोपहर के समय में आदमी इंसान वगैरह क्या करते हैं कि वहाँ पर खड़े जो है एक गेम खेलते, पूल का बेटा जिस तरीके से, एक तरीके से टेबल टेनिस होती है ना, उस तरीके का खेल होता है, ठीक है, तो वो खेलते. द बैटर टेबल लुकिंग सुप्रीमली इन कांग्रेस इन द ओपन एयर. अब ये टूटी फूटी सी जो बैटर टेबल थी वो इतने खुले हवा के अंदर बिल्कुल इन कांग्रेस लग रही थी, बेमेल लग रही थी. अच्छे से रख रख तो रखी थी टेबल, ठीक है, खेलने के लिए, पर वो बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी. वाइल नियर बाय वुमेन वॉश्ड देयर लॉन्ग हेयर इन द आइसी वाटर ऑफ अ नैरो ब्रोक. और वहीं पास में एक छोटे से सकड़े से झरने के ठंडे से बर्फ़ वाले पानी से औरतें अपने जो है लंबे लंबे बाल धोती. बैबल डाउन पास्ट माई गेस्ट हाउस. वो झरना जो कि मेरे गेस्ट हाउस के पास से गुजरता. दार्चन फेल्ट रिलैक्स्ड एंड अनहरिड, बट फॉर मी इट केम विद अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, देयर वर नो पिलग्रिमिक्स. अब दार्चन जो है उसमें आराम तो मिला, ठीक है, लेकिन मेरे लिए एक बहुत ही ड्रॉबैक कमी ये थी कि वहाँ कोई तीर्थयात्री नहीं थे, ठीक है, कोई तीर्थयात्री नहीं है वहाँ पर, उसे जो है कोई भी तीर्थयात्री नहीं मिले. I had been told at the height of pilgrimage season the town was bursting with visitors. मुझे ये कहा गया था कि जब pilgrimage season होता है, तीर्थयात्रियों का जब मौसम जोरों पर होता है, तो बहुत सारे पर्यटक यहाँ आते हैं, बहुत सारे तीर्थयात्री यहाँ आते हैं. मैनी ब्रॉड देयर ओन अकोमोडेशन. सब अपने रहने की व्यवस्था साथ लेकर आते हैं.
enlarging the settlement around his edges as they set up their tents with spiled town on the plain. और क्या करते हैं, अपने साथ में जो है टेंट्स वगैरह लेकर आते हैं और मैदान के अंदर लगा लेते, अपने तंबू वगैरह लगा देते. आई हैड टिमिड बाई अराइवल ऑफ द बिगनिंग ऑफ द सीजन बट इट सीम्ड आई वॉज टू अर्ली. मैं भी पूरी तरीके से ये अराइवल का सामान वगैरह लेकर आया था सीज़न की शुरुआत में, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ जल्दी ही आ गया. ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि जब तीर्थयात्रियों का जब सीज़न होता है तब तो ये पूरा का पूरा शहर तीर्थयात्रियों से भरा हुआ रहता है, लेकिन अब उसे लगा कि वो शायद से जल्दी आ गए हैं. वन आफ्टरनून आई सेट पॉन्डरिंग माई ऑप्शन ओवर अ ग्लास ऑफ टी इन दार्चन्स ओनली कैफे. एक दिन दोपहर के मैं सोच रहा था मेरे ऑप्शन के बारे में, विकल्पों के बारे में, जब मैं चाय पी रहा था दार्चन के कैफे में. आफ्टर लिटल कंसिडरेशन, थोड़ी देर सोचने के बाद में, आई कंक्लूडेड दे वर सीम रियली लिमिटेड. मैंने सोचा कि मेरे पास में ऑप्शन विकल्प तो बहुत सीमित है. क्लियरली आई हैड नॉट मेड मच प्रोग्रेस. मैंने ज़्यादा प्रोग्रेस भी नहीं कर रखी है ज़्यादा विथ माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम. अपनी मदद के लिए ऑन पॉजिटिव थिंकिंग, अपनी जो है सकारात्मक सोच के लिए मैंने ज़्यादा जो है कुछ प्रोग्रेस भी नहीं करी है. इन माई डिफेंस इट हैड नॉट बीन ईजी विथ ऑल माई स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज. अब मेरी जो सोने की परेशानियाँ थी इसके साथ में ये आसान भी नहीं था. आई लुकड एट इट आई कुड ओनली वेट. मैं सिर्फ इंतज़ार कर सकता था. द पिलग्रमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन बट आई डिड नॉट फैंसी डूइंग इट अलोन. हालाँकि पिलग्रमेज जो ट्रेल था, रास्ता जो था, वो वेल ट्रोडन था, मतलब अच्छे से चला कसा था, काफ़ी बार लोग जो है इसको घसा हुआ था. मतलब ट्रोडन वैसे होता है बेटा कुचला हुआ, ठीक है. तो हालांकि ये पिलग्रमेज का जो रास्ता था वो काफ़ी जो है चला हुआ था, लोग बहुत बार आ चुके थे. बट आई डिड नॉट फैंसी डूइंग इट अलोन. लेकिन मैं अकेले जाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं अकेला चला जाऊँ. द कोरा वॉज सीजनल. अब ये यात्रा जो है वो मौसमी थी, सीजनल थी, बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लाइबल टू ब्लॉकेज बाई स्नो. क्योंकि इसके रास्ते जो है हो सकता है कि बर्फ़ से बंद हो. आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर. मुझे तो ये अच्छे से मुझे तो पता भी नहीं था कि बर्फ़ जो है रास्ते में है, बर्फ़ से जमी हुई है या नहीं है, रास्ता क्लियर है. बट आई वॉज नॉट एनकरेज बाय द चंक्स ऑफ डर्टी आइस डेट स्टिल क्लंग टू द बैंक्स ऑफ दार्चिन ब्रो. लेकिन मैं इस बात से भी एनकरेज नहीं हुआ कि अभी भी जो है दार्चिन का जो झरना था वहाँ बर्फ़ के टुकड़े लटके हुए थे किनारों पर. Since Satan had left, Satan मुझे छोड़ के जा चुका था. I had not come across anyone in Darchan with enough English to answer even the most basic question. और मुझे दार्चन के अंदर ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसे इतनी इंग्लिश आती हो कि मेरे सवालों का जवाब दे सके, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग था, ठीक है. तो अब वो कहता है कि मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं कि जो कि इंग्लिश में मेरे साथ में बात कर सके और मेरे सवालों का जो है वो जवाब दे सके. Until that is, I met Norbu. जब तक मैं Norbu से नहीं मिला था, ठीक है. The cafe was small. अब देखो Norbu से कहाँ मिला. जो कैफ़े था, जो वहाँ का कॉफ़ी हाउस जो था, वो काफ़ी छोटा सा था, डार्क था, ठीक है. एंड विथ cavernous विथ लॉन्ग मेटल स्टोव डैट रन डाउन द मिडल. अब होता है कि ये जो छोटा सा हाउस, छोटा सा जो कैफ़े था, ठीक है, जिसमें अंधेरा था, ठीक है, और एक मेटल का बना हुआ जो लंबा सा एक स्टोव जो बीच में रखा हुआ था, ठीक है, और जो दीवारें थी उसकी, ठीक है. द वॉल्स एंड सीलिंग वर वेदर्ड इन शीट्स ऑफ मल्टी कलर्ड प्लास्टिक. दीवारें और जो उसकी छत थी उस पर जो है मल्टी कलर के अलग अलग रंगों की जो है प्लास्टिक्स की पट्टियाँ लगी हुई थी ऑफ द स्ट्रिप्ड वैरायटी ब्रॉड ब्लू रेड एंड वाइट डेट इज़ मेड इन टू स्टाउट. आप बोलते हैं कि इसमें जो है अलग अलग कलर की जो है पट्टियाँ सी जो है वो लगी हुई रखी थी, जैसे नीली, लाल, सफ़ेद, ठीक है, रंग की पट्टियाँ जो है वो दीवारों और छत पर सजा रखी थी. वॉल्यूमियस शॉपिंग बैग्स सोल्ड ऑल ओवर द चाइना. और इसी यही वही प्लास्टिक था जिसके बड़े से जो है बड़े बड़े ढीले ढाले मोटे मोटे जो है शॉपिंग बैग्स बनाए जाते थे, पूरे चाइना में बिकते थे. उसी प्लास्टिक की जो है अलग अलग दीवारों पर वही प्लास्टिक जो है, छत और दीवारों पर वही प्लास्टिक जो है वो लगाया हुआ था. और ये जो थैले हैं ये पूरे एशिया में और यूरोप में बेचे जाते थे. एज सच प्लास्टिक मस्ट रेट एज वन ऑफ द चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट्स अलॉन्ग द सिल्क रोड टुडे. और जहाँ तक आज की बात है, आज भी सिल्क रोड पर जो चाइना का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है प्लास्टिक, ठीक है, और सबसे जो है एक तरीके से कामयाब जो है बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है
प्लास्टिक वगैरह जो है एक्सपोर्ट होता है, दूसरे देशों में जो है वो जाता है। ठीक है, अब हमने यहाँ तक कर लिया बेटा। आई थिंक ये हमारा कल हो जाएगा कंप्लीट, अभी करेंगे तो ये काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पढ़ना, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछना। ओके स्टूडेंट्स।